के बाद भी नहीं माने तो बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया। कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी करते हुए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर ये आदेश सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें भी पार्टी बनाया और पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। अदालत ने कहा कि पहली नज़र में दोनों ने कानून का उल्लंघन किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते के बाद होने वाली है। बता दें कि कोर्ट ने पहले भी योग गुरु बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर कोर्ट में बुलाया था। कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव से जवाब मांगा था। इसी के साथ कोर्ट ने संस्था के विज्ञापन प्रकाशित करने पर प्रतिबंध भी लगाया था। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन झूठा दावा करने वाले और भ्रामक हैं। इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने पहले भी कड़ी चेतावनी दी थी और बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव से जवाब मांगा था। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने एलोपैथिक दवाइयों को लेकर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों में कंपनी को आड़े हाथ लिया था। जस्टिन एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उनके उत्पादों को लेकर इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण जारी रहेगा तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में इस तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी थी। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि वो सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट नहीं दिए जाएं। इसी के साथ इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाने की हिदायत भी दी गई थी। इस मामले में कोर्ट की ओर से जवाब मांगा गया था। इसका जवाब नहीं देने पर अब कोर्ट ने बाबा रामदेव को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।